हेलो दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। हमारे चैनल पर डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक का जो फर्स्ट ईयर है, जिसमें सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू होता है, और आपको पता है कि सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू दोनों में ही मैथमेटिक्स आपको पढ़ना होता है, और मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है लगभग हर स्टेट में सेम सा ही है। चाहे आप पंजाब की बात कर लें, चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर लें, चाहे हरियाणा की बात कर लें, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे वेस्ट बंगाल की बात कर लें, तो ये वीडियोस सभी स्टूडेंट्स के लिए ही यूजफुल रहने वाली हैं। तो इस चैनल पर आप बने रहें। ऑलरेडी बहुत से चैप्टर्स की वीडियोज़ हमने अपलोड कर दी हैं, वो सभी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। मैं दोबारा से इन चैप्टर्स की वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से चीज़ों को समझाया जा सके। इसके अलावा देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। साथ ही जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, जो भी आपको डाउट्स आएंगे वो आप उस चैनल के थ्रू हमें सेंड कर पाएंगे। अपनी इमेज सेंड कीजिए जहाँ पर भी आपको डाउट है, साथ में वॉइस मैसेजेस भी आप सेंड कर सकते हैं और हम उसे रिप्लाई करेंगे। इस तरह से आप आसानी से अपने कोर्स को कवर कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये चैप्टर भी जैसे मैंने कहा कि हर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कोर्स में आपको मैथमेटिक्स में मिल ही जाएगा। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है, और मैं कहूं कि इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो एक सिंपल सी इक्वेशन, हमें इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस प्लस टू को इधर ले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू अपनी जगह पर जीरो, अपनी जगह पर ये प्लस टू यहां जाके माइनस टू हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास जीरो माइनस टू होता है, क्योंकि जीरो प्लस या माइनस में होता है तो कुछ नहीं कर पाता है वो, तो जीरो माइनस टू ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस टू आ गई। अब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ अंडर रूट लगा दूंगा, इधर भी और इधर भी। क्यों अंडर रूट लगाया गया है, ताकि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाए। तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए मैंने दोनों तरफ अंडर रूट लगाया है। आपको इज इक्वल टू के दोनों तरफ सब कुछ करना होता है, और जब भी आप अंडर रूट लगाते हैं तो याद रखिए प्लस और माइनस दोनों में आंसर आता है, तो प्लस माइनस दोनों ही लिखेंगे आप। तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस और माइनस टू, और हाँ मैथमेटिक्स में आप दोनों तरफ सब कुछ करेंगे। अगर यहां पे मल्टीप्लाई टू करते हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई टू करना होता है, इधर प्लस फोर करते हैं तो इधर भी प्लस फोर करना होता है, इधर डिवाइड करते हैं एट से तो इधर भी डिवाइड करना होता है एट से। चलिए वो तो खैर बाद की बातें हैं। एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट माइनस टू। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस वाली वैल्यू आती है तो वो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, यानी कि अंडर रूट माइनस टू रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि अंडर रूट माइनस टू इज नॉट अ रियल नंबर, यानी कि ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि रियलिटी में इसकी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। अभी मैं बताऊंगा भी क्यों पॉसिबल नहीं है, शायद कुछ लोगों को पता भी चल गया होगा कि क्यों पॉसिबल नहीं होती। तो अंडर रूट माइनस टू इज नॉट अ रियल नंबर, क्योंकि रियलिटी में इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती है। तो फिर जब ये रियल नहीं हो सकती तो क्या कर सकते हैं हम, इसे सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट माइनस टू इज अ इमेजिनरी नंबर। तो ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो ये इमेजिनरी नंबर है क्योंकि रियलिटी में इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखिए ये वैल्यू आई यहां से, और ये कहां से आया, यहां से, और ये कहां से आया, यहां से। अब यहां ध्यान दीजिए, एक्स का स्क्वायर माइनस टू है, यानी कि किसी का स्क्वायर माइनस में आंसर आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, किसी का भी आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर माइनस में नहीं आएगा। सोचिए माइनस टू का स्क्वायर कीजिए, तो माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आएगा फोर। और प्लस टू का स्क्वायर कीजिए तो टू मल्टीप्लाई टू फोर,
यानी कि जब आप प्लस वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे आंसर, फिर तो प्लस में ही आएगा, लेकिन माइनस वाले का भी स्क्वायर करते हैं तो इसकी पावर 2 है, इसलिए दो बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो ही जाएगा, तो तब भी क्या होगा, आंसर प्लस में ही आएगा। तो किसी का भी स्क्वायर कर लीजिए, चाहे माइनस वाले टर्म का चाहे प्लस वाले टर्म का, आपको पता है कि कोई निशान नहीं यहाँ पे तो प्लस होता है, तो प्लस लिखते नहीं बस होता है। तो चाहे प्लस टू का स्क्वायर कर लें चाहे माइनस टू का स्क्वायर कर लें, आंसर प्लस फोर ही आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा, किसी का स्क्वायर माइनस नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जो x की वैल्यू हमने निकाली है जिसमें अंडर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर है, वो रियल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है। तो अंडर रूट माइनस टू जो है वो क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। ऐसे ही जितने भी अंडर रूट में माइनस वाले होंगे, अंडर रूट माइनस फोर भी एक इमेजिनरी नंबर है, अंडर रूट माइनस फाइव भी एक इमेजिनरी नंबर है, अंडर रूट माइनस 500 भी इमेजिनरी नंबर है। इन सब में एक बात कॉमन है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, अंडर रूट माइनस फोर है तो इसको वन मल्टीप्लाई फोर लिख दीजिए तब भी वही रहेगा। उसी तरह से अंडर रूट माइनस फाइव है, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट माइनस वन मल्टीप्लाई फाइव। इसी तरह से अंडर रूट माइनस 500 है, इसे मैं लिख सकता हूं माइनस वन मल्टीप्लाई 500। अब आप क्या करेंगे, अंडर रूट माइनस वन के ऊपर अलग कर लीजिए और फोर के ऊपर अलग कर लीजिए। ऐसे यहां पे अंडर रूट माइनस वन के ऊपर अलग कर लीजिए, अंडर रूट फाइव के ऊपर अलग कर लीजिए, अंडर रूट माइनस वन के ऊपर अलग कर लीजिए, अंडर रूट 500 के ऊपर अलग कर लीजिए। अब देखिए ये तो रियल नंबर है, ये भी क्या है, रियल नंबर, रुकिए कॉमन ही आएगा, ये सारे मल्टीप्लाई में रहेंगे, तो इसके ऊपर भी अंडर रूट डाल दिया, इसके ऊपर भी अंडर रूट, क्योंकि पूरे के ऊपर अंडर रूट था। ठीक है, तो ये सारे तो रियल नंबर हो गए, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, यानी कि जो इमेजिनरी नंबर्स थे माइनस फोर अंडर रूट और माइनस फाइव का अंडर रूट, माइनस 500 का अंडर रूट, ये सारे इमेजिनरी नंबर्स थे, इनको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, माइनस वन निकाल लिया, इसमें से माइनस वन निकाल लिया, माइनस वन निकाल लिया, माइनस वन निकालने के बाद जो बचता है वो तो रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, यानी कि किसी भी इमेजिनरी नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो ये माइनस वन का अंडर रूट है, यूनिट इमेजिनरी नंबर, यूनिट मतलब वन, और ये इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसके अंडर रूट में माइनस वाली वैल्यू आ रही है, तो इसे हम बोलेंगे यूनिट इमेजिनरी नंबर। तो हर एक इमेजिनरी नंबर से हम यूनिट इमेजिनरी नंबर निकाल सकते हैं, जैसे कि देखिए यहां पे मैंने माइनस फाइव से भी निकाल लिया, माइनस 500 से भी निकाल लिया, तो हर एक इमेजिनरी नंबर से इससे भी निकाल सकते हैं हम। देखिए बताइए इसमें से क्या निकलेगा, माइनस वन अलग हो जाएगा, अंडर रूट टू अलग हो जाएगा, तो हर एक इमेजिनरी नंबर में से हम यूनिट इमेजिनरी नंबर निकाल सकते हैं, उसके बाद बाकी जो बचेगा वो तो खैर रियल नंबर। तो इसलिए आगे हम क्या करने वाले हैं, हर एक इमेजिन नंबर को यूनिट इमेजिनरी नंबर के हिसाब से लिखेंगे। तो इसका हमने एक स्पेशल नाम रख दिया कि माइनस वन का अंडर रूट को क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, आई फॉर आयोटा, और कई बुक्स में इसे जे से भी लिखते हैं, बट अभी तक जो बुक्स मैंने पढ़ी या पढ़ाई हैं उन सब में ज्यादातर आई ही मिला है, जे बहुत कम में आपको देखने को मिलेगा। तो इस यूनिट इमेजिन नंबर को हम क्या बोलेंगे, आयोटा बोलेंगे। और जैसा मैंने बताया कि इसी को क्यों अलग कर लिया हमने, क्योंकि हर एक नंबर कैसा भी नंबर क्यों ना हो उसमें से माइनस वन आप अलग कर ही सकते हैं, इसीलिए हम फोकस कर रहे हैं माइनस वन के अंडर रूट पर बार बार, क्योंकि हर एक इमेजिनरी नंबर से माइनस वन अलग किया जा सकता है, इसीलिए पूरा फोकस रहेगा हमारा अंडर रूट माइनस वन पर। ठीक है, और इसे यूनिट इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। यूनिट क्यों, क्योंकि इसमें वन है, इमेजिनरी नंबर इसलिए क्योंकि इसमें अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, और इसे आई से डिनोट करते हैं जिसको हम आयोटा कहते हैं। आई से ही क्यों कहते हैं, देखिए इसका भी एक लॉजिक रखा गया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इंस्टेंटेनियस करंट को आई से डिनोट करते हैं, करंट को, इंस्टेंटेनियस करंट। चलिए पूरा क्या लिखना हमें इससे मतलब, मैथ पढ़ रहे हैं आप, सोच रहे हैं मुझे स्पेलिंग नहीं आती,
जो मर्जी मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो अभी मैथ्स पढ़ना है, तो आई इंस्टेंटेनियस करंट है। और कुछ लोगों ने, हम लोगों ने नहीं, हमसे पहले वाले जो लोग थे, जो बहुत महान लोग थे मैथमेटिशियंस, उन्होंने देखा कि करंट यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जैसे हम करंट वगैरह, अल्टरनेटिंग करंट वगैरह पढ़ते हैं, उसका इमेजिनरी नंबर्स से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। खैर, फर्स्ट ईयर में सबको ही पढ़ना, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो आपके पास। तो यहां तक आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमने एक नई चीज सीखी जो सबसे मेन है कि अंडर रूट माइनस वन को आयोटा कहा जाएगा और इसे आई से लिखा जाएगा और जे से भी लिखते हैं कुछ बुक्स में, बट ज्यादातर बुक्स में आपको आई से ही देखने को मिलेगा। तो यहां से शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इमेजिनरी नंबर्स को लेकर ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स बने। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही समझे जटिल, काफी मुश्किल हो गया। तो यानी कि अब ऐसा नंबर जिसमें रियल नंबर भी डाल दिया और जो नंबर नहीं हो सकते यानी कि इमेजिनरी नंबर उनको भी डाल दिया, तो वो नंबर कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सब कुछ मिक्स कर दिया, रियल भी इमेजिनरी भी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ज्यादातर बुक्स में जेड से डिनोट करते हैं, स्मॉल जेड से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए क्या होता है, ए प्लस आयोटा, आयोटा यानी कि अंडर रूट माइनस वन बी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है? एक ऐसा नंबर जिसे मैं इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं, उस नंबर को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहूंगा। इसमें जो ए है वो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो बी है जो आयोटा के साथ है वो कौन सा है? वो इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के साथ है ना वो, तो इमेजिनरी ठीक पार्ट ऑफ जेड। तो बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट है जेड का यानी कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जेड को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, तो वैसे लिख रहे हैं। यहां तक आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो गई हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने जान लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जिसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी। अब ए प्लस आयोटा बी नहीं समझ में आ रहा तो मैं जेड को ऐसे लिखता हूं, फोर प्लस आयोटा फाइव। रियल पार्ट है इसका फोर और इमेजिनरी पार्ट है इसका फाइव। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और भी बहुत चीजें हैं। अब जितना जितना मैं आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। पहले सारे टॉपिक्स को समझा दूं फिर क्वेश्चंस कराऊं फिर आप भूल जाएंगे। तो अभी जितना मैंने आपको बताया उसके बेस पे पहले कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक समझाया जाएगा और फिर उसके क्वेश्चंस किए जाएंगे। वापिस आते हैं अपने यूनिट इमेजिनरी नंबर यानी कि माइनस वन का रूट जिसे हम आयोटा कह रहे हैं। तो अगर इसका आप स्क्वायर कर देते, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करते तो क्या हो जाएगा? माइनस वन का स्क्वायर करेंगे, अरे माइनस वन रूट का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रहेगा, जो भी करना दोनों तरफ करना है, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो आप क्या देखेंगे? माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होगा? माइनस वन। अच्छा, क्यूब करते हैं जरा इसका। क्यूब का मतलब क्या है कि एक बार और इसे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस वन था, इसे मैं फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, ये आप चाहे तो याद रख सकते हैं, आपके क्वेश्चंस में काम आएगी। तो माइनस वन मल्टीप्लाई आयोटा, मैं दोनों तरफ फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यों? ताकि आयोटा क्यूब बन जाए। देखिए आयोटा स्क्वायर तो पहले से था, आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि यहां पे आयोटा क्यूब बन जाए, टी नहीं, आयोटा, आयोटा क्यूब। इधर क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस आयोटा आ रही है। क्यों मैं ये लिख रहा हूं अभी आपको पता लग जाएगा। फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। क्यों कर रहे हैं हम? ताकि आयोटा फोर की वैल्यू पता कर ले जरा क्या होती है। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा कितना हो जाएगा? ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है? माइनस वन। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहां माइनस वन रख दीजिए, आयोटा की पावर फोर। माइनस माइनस प्लस, आयोटा की पावर फोर क्या हो जाएगा? वन। एक बार और कर लेते हैं उसके बाद नहीं करेंगे, एक बार फिर आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए।
तो 1 × iota, iota की पावर 4 × iota, दोनों तरफ iota से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आ जाएगा i, इधर आ जाएगा iota की पावर 5। तो iota की पावर 5 जो है वो हमने क्या देखा, iota ही आ जा रहा है घूम फिर के वापस। फिर क्या करेंगे आप देखिए, एक बार और मल्टीप्लाई करें, चलिए रहने देते हैं, बहुत बार मल्टीप्लाई कर लिया। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं, आयोटा की पावर जब भी 2 होगा 4 होगा, 2 के टेबल वाले देखिए, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा की पावर 6 भी माइनस 1, आयोटा की पावर 10 जो 2 के टेबल में आते हैं माइनस 1, इन सब की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1 होगी। और अगर आप 4 के टेबल वाली वैल्यूज देखते हैं, 2 के टेबल में 4 भी आता है, उसको मैंने यहां पे नहीं लिखा है, देखिए आयोटा की पावर 4 को नहीं लिखा है, क्योंकि जो 4 वाले होते हैं उनकी पावर उनकी वैल्यू होती है आयोटा की पावर 4 1, आयोटा की पावर 8 1, आयोटा की पावर 4 के टेबल में क्या आता है 12 1, आयोटा की पावर 16 क्या आएगा 1। तो ये कुछ बेसिक सी बातें आप ध्यान रख सकते हैं कि आयोटा की पावर 2 के टेबल वाली चलेगी 4 को छोड़ के, 4 के टेबल वाले छोड़ के, 2 का टेबल 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 4 को इधर एडजस्ट कर लेंगे 4 के टेबल वाले में, तो 2, 6, 10, 12 तो 4 के टेबल में आता है ना, तो 2 का टेबल चलेगा 4 वाली वैल्यूज छोड़ के, 4 के टेबल वाली वैल्यूज छोड़ देंगे तो -1 -1 आंसर आता रहेगा, और 4 के टेबल के हिसाब से आप चल रहे हैं तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 आगे टेबल क्या आता है, तो आंसर क्या आता रहेगा 1 आता रहेगा। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो आपको इजी लगे। आइए तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हो सकता है आपकी बुक में कोई अलग क्वेश्चन हो पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन कैसा भी आए करने का तरीका बस आपको आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन ये था फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलिए क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये था आपका क्वेश्चन बुक में। तो बस एक बात ध्यान रखनी जो मैंने अभी आपको समझाई कि आयोटा की पावर 2 जो होता है वो माइनस 1 होता है, इसी चीज का यूज करके देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले सबको आयोटा की पावर 2 में बनाइए, आयोटा की पावर 2 में ये पहले ही बना हुआ है, ठीक है, प्लस 6, आयोटा की पावर 3 है, इसे आयोटा की पावर 2 में कैसे बनाएंगे आप, आयोटा की पावर 2 और एक आयोटा अलग कर दीजिए, 3 था ना, तो ये रहा 2 आयोटा, ये रहे एक, ये रहा आयोटा की पावर है 16, इसे आप कैसे बनाएंगे 2 में, आयोटा की पावर 2 और ये 8, 2 × 8 = 16, तो आयोटा की पावर 2 में सबको लिखना है। इसके बाद देखिए 6 आयोटा की पावर है 19, इसे अब आप क्या करेंगे, इसे आप पहले इवन नंबर में कन्वर्ट कीजिए, 19 है तो इसे 18 और फिर एक आयोटा अलग से, 19 आयोटा थे 18 अलग कर दिए एक अलग कर दिया, इसी तरह से 4 आयोटा की पावर है 25, तो आप क्या करेंगे आयोटा की पावर 24 अलग और आयोटा अलग, 24 अलग क्यों किया मैंने, क्योंकि ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 18 क्यों किया अलग मैंने, 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, ये तो पहले ही 2 से डिवाइड हो रहा था, तो इसको 2 × 8 = 16 लिख दिया। आगे देखते हैं आयोटा की पावर 2 होता है तो वो माइनस 1 होता है, 6 आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस 1, जहां जहां आपको आयोटा स्क्वायर दिख रहा है वहां माइनस 1 लिखते जाइए, और ये आयोटा एज इट इज, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस 1, 8 यहां पे आयोटा स्क्वायर अभी बनाना है, 18 है तो इसे आप लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर और 9 × 18 तो आयोटा का स्क्वायर और बाहर 9 और ये वाला आयोटा एज इट इज, प्लस 4 आयोटा की पावर है 24 तो यहां पे आयोटा की पावर लिखेंगे 2 और फिर 12
और ये लास्ट वाला आयोटा एज इट इज। तो किया क्या हमने, देखिए जहां आयोटा स्क्वायर है वो तो एज इट इज रहेगा, जहां ओड नंबर है 3 था तो 2 और 1 कर दिया, यहां तो इवन नंबर था तो 16 को हमने 2 और 8 कर दिया, 2 8 16, 19 था तो इसमें आप इवन नंबर अलग कर लीजिए एक ओड अलग हो जाएगा, 25 था 24 अलग कर लीजिए एक आयोटा अलग कर लीजिए, यहां आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहां -1, बाकी सब एज इट इज, 6 एज इट इज, ये वाला आयोटा एज इट इज, 3 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 उसकी पावर 8, -6 एज इट इज, 18 को आप लिखेंगे 2 × 9, ठीक है, सबको आयोटा स्क्वायर बनाना है तो 18 को आयोटा की पावर 2 और बाहर 9, और ये लास्ट वाला आयोटा एज इट इज, 24 को आप 2 × 12, ठीक है। अब तो इजी लग रहा होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को फिर से वापस देखिए, पूरी नहीं सिर्फ ये क्वेश्चन वाले जहां डाउट हो रहा है, फिर भी डाउट रहता है तो आप हमारे चैनल पर आए टेलीग्राम वाले, वहां डाउट पूछे, 2 × 2 और ये -1, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में तो माइनस आएगा, 6 × 6 आयोटा एज इट इज, उसके बाद ये प्लस और ये 3, -1 की पावर 8, याद रखिए जब भी माइनस की पावर इवन नंबर हो, दो के टेबल वाली हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, दो के पहाड़े में जो वैल्यू आती है अगर वो पावर में हो और यहां माइनस हो तो याद रखिए माइनस गायब, तो माइनस नहीं लिखेंगे, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो माइनस गायब हो गया क्योंकि यहां पे 8 था, अगर यहां पे 7 होता या फिर 9 होता जो 2 के टेबल में नहीं आता तो माइनस भी रहता है यहां पे, और 1 की पावर कुछ भी रहे 1 ही रहता है। आयोटा की पावर 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने बोला आपको -1, जहां भी आयोटा स्क्वायर दिखाई दे वहां -1, ये 9 एज इट इज, आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 और ये 12 और ये आयोटा, -2 -6 आयोटा, 3 × 1 3, माइनस की पावर इस बार है 9 जो कि 2 के टेबल में नहीं आती, यानी कि ओड नंबर, जब भी माइनस की पावर ओड नंबर हो तो माइनस रहेगा और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, और ये बाहर आयोटा एज इट इज, +4 आयोटा की पावर, अच्छा -1 की पावर 12, 12 2 के टेबल में आता है यानी कि इवन नंबर है, जब भी माइनस की पावर इवन नंबर होगी तो माइनस हट जाएगा तो माइनस नहीं लिखना, और 1 की पावर है 12 तो 1 की पावर 12 है तो 1 की पावर कुछ भी रहे वही रहता है, और ये लास्ट वाला आयोटा एज इट इज, बस अब कुछ ज्यादा नहीं बचा, -2 -6 आयोटा, +3, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएगा, 6 × 1 6 आयोटा एज इट इज, 4 × 1 4 रहेगा और ये आयोटा एज इट इज, अब कुछ ज्यादा नहीं बचा है, बिना आयोटा वाले इकट्ठे कर लेते हैं, तो -2 है बिना आयोटा वाला, +3 है बिना आयोटा वाला, और तो बाकी आयोटा वाले, आयोटा वाला कौन कौन है, -6 आयोटा, +6 आयोटा, +4 आयोटा, एक वैल्यू के सामने माइनस और एक वैल्यू के सामने प्लस, जब भी एक वैल्यू के सामने माइनस हो एक के सामने प्लस हो तो आप उसे माइनस करेंगे, उन दोनों को माइनस करेंगे, तो 3 और 2 में एक के सामने प्लस एक के सामने माइनस है तो आप इसे माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 गए 1, और निशान हमेशा जो बड़ी वाली वैल्यू के सामने होगा वो डालना है, तो प्लस, तो प्लस तो डालने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि नहीं डालेंगे तो भी प्लस होता ही, -6 आयोटा और +6 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 4 आयोटा, अब इनको ऐड मत कीजिए, कहीं सोचिए आपकी 1 + 4 = 5 आयोटा, क्वेश्चन खत्म, नहीं, ये बिना आयोटा वाला है ये आयोटा वाला है तो क्वेश्चन यहीं पे रुक जाएगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा देखिए इसको, अगर ये क्वेश्चन समझ लेते हैं आप तो अब किसी भी तरह का ऐसा क्वेश्चन आता है वैल्यू निकालने वाला तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आज का ही लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो अगर ये समझ में आ गया है सॉरी तो अगर आपको ये सब समझ में आया है तो
बस मैं यही चाहूंगा कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में आ सकता है, तो बस इसे आगे आप शेयर जरूर करें ताकि आगे जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स, उन सबके लिए भी एक ऐसा कोई चैनल या ऐसी कुछ वीडियोस मिले जहां से वो अपना मैथमेटिक्स जो डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक का कोर्स है वो अच्छे से और इजीली कंप्लीट कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।